नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सबका स्वागत करती हूँ कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं लेकर आती हूँ वेज रेसिपीज़ जो कि बहुत हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ और टेस्टी भी बनते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही आलू दम, जिसके लिए हमने लिया है कुछ उबले हुए आलू। आप अपने ज़रूरत अनुसार ले लीजिए जितने चाहिए, और एक फोर्क के हेल्प से हम इसमें इस तरह से छेद छेद कर देंगे। और आराम से करना है ताकि नहीं, उबले हुए आलू है तो ऑब्वियसली बहुत ही सॉफ्ट है, तो इस तरह से छेद छेद करेंगे ताकि इसमें जो करी का टेस्ट है वो अंदर तक चले। और एक कप फ्रेश दही लेते हैं हम, और एक टमाटर कटा हुआ लेते हैं। ये हींग है जिसे मैं एक पिंच यूज़ करूँगी, और एक चम्मच अदरक मिर्ची पेस्ट, कुछ इलायची है, एक दालचीनी टुकड़ा है, और मसालों में नमक, हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर और सॉफ्ट गरम मसाले का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये सॉफ्ट पाउडर है, मैं बिना प्याज लहसुन का बना रही हूँ इसलिए सॉफ्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप प्याज डालें तो सॉफ्ट पाउडर थोड़ा कम ही यूज़ करें, प्याज लहसुन अगर आप डाल रहे हो तो। और ये है टमाटर, इसमें मैं इलायची को छीलकर डाल रही हूँ और इसे ग्राइंड कर लूँगी। आप इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो गोटे इलायची को छीलकर हम पीसकर यूज़ करते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। तो हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, और इसका एक पेस्ट बना लिया है हमने, ये तैयार है। अब एक पैन बैठाते हैं, उसमें 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, और जैसे ये गर्म हो जाए तो जो आलू है उसे हम पोंछ कर, थोड़ा सा एक कपड़े से पोंछ कर इसमें डालेंगे। और तेल को इसी तरह से फैला लेना है ताकि आलू को डालने के बाद वो चिपके नहीं इसमें। और कपड़े से आलू को इसलिए पोंछ ले हैं ताकि उसका मॉइस्चर है, एक्सेस मॉइस्चर आ जाए। अब 2-2 मिनट तक हम इसे दोनों साइड गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसमें। दोनों ही साइड से फ्राई कर लेंगे हम इस तरह से। अभी येलो ही है, जब ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर ये फ्राई हो जाएगा और हम इसे निकाल लेंगे। दोनों ही साइड से करना है इसी तरह से। 2-2 मिनट में हो जाएगा, मीडियम फ्लेम पे करेंगे। और ये देखिए, ये हो गया है, अब हम इसे निकाल चुके हैं। और उसी तेल में हमने 1/2 चम्मच गोटा सौंफ डाला है, और इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, 1/4 चम्मच, जितना बड़ा जितना चम्मच हमने लिया है, 1 चम्मच लिया है तो उसका 1/4 इसमें डालेंगे। गरम मसाला पहले डालने से इसका फ्लेवर पूरे करी में आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए पहले आप डालें थोड़ा सा गरम मसाला। और ये दालचीनी को ऐड करते हैं और इसे भी कर लेते हैं, और जैसे फ्राई हो जाए इसे इसमें ऐड करेंगे अदरक मिर्ची का पेस्ट, और 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसे, नहीं तो अदरक बहुत हार्ड हो जाएगा। लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और इलायची का पेस्ट, और इसे थोड़ा ढक देंगे क्योंकि ये बहुत छिटक रहा है, तो थोड़ा सा ढक देते हैं। और लगभग 30 सेकेंड के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है, और इसमें ऐड कर रही हूँ अब थोड़ा सा नमक, जितना टेस्ट के अनुसार चाहिए उतना ऐड कर लीजिए। और इसे थोड़ा गाढ़ा होने देंगे हम, और अब ऐड कर देते हैं हल्दी, जीरा पाउडर, सॉफ्ट पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, और इसे थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक ये पूरा अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता, जब तक बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक फ्राई करेंगे। और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें हम मसालों को फ्राई करते समय। अब इसमें मैं थोड़ा हींग डाल दी, हींग डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसमें डाल दिया है अब कश्मीरी मिर्च। बाद में ही मिर्च ऐड करती हूँ, आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। अब सारे मसाले फ्राई हो गए हैं, अब हम दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे एक बार ब्लेंड कर सकते हैं, और इसके बाद हमें धीरे धीरे दही को इसमें डाल मिक्स कर देना, और जैसे ही इसमें उबल जाए आलू ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे 1/2 कप, क्योंकि ये ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा अगर हम,
और आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा दही का इस्तेमाल कीजिए, जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसी हिसाब से आप इस्तेमाल करें। आधा कप पानी मैंने इसमें ऐड किया है और जैसे ये एक बार बॉयल होना स्टार्ट हो जाए इसमें आलू को ऐड कर देते हैं और आलू को अच्छे से हम इसमें करी में अलट पलट देते हैं ताकि करी जो है इसके अंदर तक चले जाए, उसका टेस्ट है आलू के अंदर तक चले जाए क्योंकि हमने ऑलरेडी फोर्क से इसमें छेद किए हुए हैं। हमने इसे ढक कर 2-3 मिनट के लिए पका लिया और ये देखिए ग्रेवी और भी अच्छी थिक हो गई है। अब हम इसे इसके ऊपर ग्रेवी को थोड़ा थोड़ा डाल देंगे ताकि जो टेस्ट है ग्रेवी का वो आलू के अंदर तक चले जाए और जो धनिया पत्ता है कटा हुआ वो ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। और जो गरम मसाला था वो भी डालना है हमें, थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाले ज़रूर क्योंकि इस फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। हमने इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर देते हैं। तो आप इसे बनाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना आपका शाही आलू दम। दोस्तों कैसी लगी आपको यह रेसिपी? अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।